लेके आओ एकदम ऐसी पे लेटर एप्लीकेशन जिसकी लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करते हैं। किसी प्रकार की यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की हमारे को जरूरत नहीं पड़ती और ये एप्लीकेशन एक पूरी तरीके से RBI रजिस्टर्ड फॉर्म है। आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका टर्नओवर यहाँ पे रहने वाला है पूरे 20 दिन का हमारे को यहाँ पे टर्नओवर मिलता है और 5 दिन का हमारे को यहाँ पे बिल जनरेट का यहाँ पे समय मिलता है। और इसको लेने के लिए हमारे पास पैन कार्ड आधार कार्ड और एक हमारे यहाँ पे लगेगी सेल्फी के बेस पे हम यहाँ पे जो लिमिट है ये यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे चल के यहाँ पे दिखा देता हूँ एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है, एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे वर्क करती है और आपको यहाँ पे लिमिट यहाँ पे कैसे मिलेगी। स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो सिंपल पे लेटर का एप्लीकेशन का नाम है। इसकी रेटिंग 4.7 की है जिसके डाउनलोड है वो 50 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूँ तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस यहाँ पे निकल के आया जो मुझे लिमिट मिली यहाँ पे 15,500 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे। किसी प्रकार के बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की हमारे को यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी और इस लिमिट को मैं अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ 0% इंटरेस्ट पे। और इसको यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर हमारे को यहाँ पे रिचार्ज करना है तो हम यहाँ पे रिचार्ज भी कर सकते हैं, साथ में हमें पोस्टपेड का रिचार्ज करना तो हम पोस्टपेड का रिचार्ज भी कर सकते हैं, साथ में फास्टैग को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साथ में गैस सिलेंडर अगर हमारे घर किसी प्रकार से पैसे नहीं है तो हम यहाँ से गैस सिलेंडर का भी यहाँ पे बिल भर सकते हैं, साथ में DTH का भी बिल भर सकते हैं, साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का बिल भी हम यहाँ से भर सकते हैं। उसका हमारे को जो टाइम मिलेगा पूरे 20 दिन का हमारे को यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रॉडबैंड को भी यहाँ पे उसका बिल भर सकते हैं। अगर आपने वाईफाई यूज कर रखा है या आपने कोई भी अदर ब्रॉडबैंड यूज कर रखा है तो आप उसकी यहाँ पे इस लिमिट से उसका वहां पे बिल भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट पे भी यहाँ पे कैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको भी इसकी लिमिट चाहिए तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी जो एज है 18+ होनी चाहिए और आपके जो एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए तो ही आप सिंपल पे लेटर से जो लिमिट है वो यहाँ पे अप्रूवल करवा सकते हैं। जैसे आप लिमिट अप्रूवल करवाएंगे तो जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड को सबमिट करेंगे जब आपके वहाँ पे सैलरी मांगी जाएगी तो आपको वहाँ पे 25,000 मिनिमम सैलरी वहाँ पे डालनी है। 25,000 से नीचे आपकी सैलरी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप 25,000 से नीचे की आप सैलरी डालोगे तो आपका जो ये है वेट लिस्ट में वहाँ पे चला जाएगा। अगर वो वेट लिस्ट में चला जाएगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक साल में वो वेट लिस्ट से हटे, 2 साल में, या वो ना भी हटे, या वो 5 दिन में भी वहां पे हट सकता है। क्योंकि जो मैंने अपनी लिमिट को अप्रूवल करवाया था वही मैंने आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताया, क्योंकि मेरी भी सैलरी 25,000 नहीं है तो भी मैंने वहां पे 25,000 सैलरी को वहां पे मेंशन किया था। जैसे मैंने 25,000 की सैलरी को वहां पे मेंशन किया तो उसके बाद वहां पे तुरंत ही वहां पे जो मेरी यहाँ पे लिमिट अप्रूवल होगी 10,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी, सेकंड टाइम मुझे लिमिट 15,500 रुपए की मिल गई। अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं तो आपकी लिमिट भी वहां पे 100% वहां पे इंक्रीज होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको फास्टैग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास फास्टैग है तो ही आप इसकी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में मतलब की ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। फास्टैग को जैसे आपको ओपन करना है, फास्टैग को ऐसे ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे जिस भी आपने फास्टैग को ले रखा है तो जो बैंक आपको वहां पे सिलेक्ट करना है फास्टैग का, जैसे आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे वहां पे ऑप्शन आ जाएगा तो आप इसकी लिमिट को जितने भी आप इसी लिमिट को अपने यूज करना चाहते हो तो फास्टैग में वहां पे लिमिट यूज कर सकते हैं और फास्टैग के जरिए आप यहां पे इसको जैसे मर्जी करके यहां पे यूज कर सकते हैं। बस यही एक मेथड है इसकी मतलब की लिमिट को ट्रांसफर करने का, बाकी और कोई मेथड नहीं है। तो उसके बाद जैसे मैं नीचे करता हूं तो इसके यहाँ पे काफी सारे लेंडर पार्टनर है तो मेक माई ट्रिप पे भी, आप जियो मार्ट पे भी, कहीं पे भी आप इसकी लिमिट को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। और ऑनलाइन यूज करने के लिए जो उसका बिल साइकिल बनता है 5 तारीख को इसका बिल की डेट बन जाती है 1 तारीख को, तो 5 को हमें पे करनी पड़ती है। अगर आप 5 तारीख के 1 तारीख के बाद पे करते हैं इसको तो आपको वहां पे 20 तारीख का मतलब पूरे 20 दिन का यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। इसी तरह ये जो सिंपल पे लेटर है यहाँ पे वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।